फतेहपुर में तिलियानी ब्लॉक का यह धारूपुर गांव है। यहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत 29 इज्जत घर पात्रों को दिया गया था, जिसमें प्रधान और सचिव की मिली भगत से मरे हुए लोगों के नाम से भी इज्जत घर आवंटित कर दिए गए। साथ ही शौचालय पूरी तरह से बनाए बिना ही कागजों में इनका काम पूरा दिखा दिया गया है। ये गांव धारूपुर है और इसका इस गांव का प्रधान मनोज कुमार सविता है। कब से प्रधान है ये प्रधान? पूरी पंचवर्षीय के दो साल 2015 से प्रधान है। क्या गड़बड़ी की है इसने शौचालयों में? इसने गड़बड़ी की है कि एक शौचालय के विषय में बताऊंगा। दुर्गा सनात विशेषण चमार बिरादरी का है, उसका शौचालय ही पूरा समाप्त कर दिया है, खा गया, निकल गया है, पूरा बना ही नहीं। यह तस्वीर दुर्गा प्रसाद की है जो इसी गाँव का रहने वाला था। इसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन इसके नाम से भी शौचालय आवंटित कर दिया गया। गांव के लोगों ने इस बात की लिखित शिकायत कई बार जिले के आला अधिकारियों से की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वो आदमी कौन है? वो मर चुका है साल पहले। जिसको आवंटित की गई है उसको जिंदा दिखाकर आवंटित की गई है। अब भाई वही के नाम कॉलोनी कीन गए तो जिंदा दिखावेगा अभी। अच्छा, इनकी जगह उसको दे दी। हाँ। अब मामला मीडिया में आने के बाद जिलाधिकारी इसमें जांच कराने की बात कह रहे हैं। मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवाते हैं DPRO से और दिखवाते हैं कि ये आवास शौचालय जो है आवंटित हुआ है, ये उनके मृत्यु से पहले हुआ है या मृत्यु के बाद हुआ है। और जो अधूरे आवास बने हुए हैं उसमें कंसर्न रेडियो पंचायत को और साथ में लाभार्थियों को नोटिस दिलवाते हैं कि उसका समय उसे पूर्ण कर लें अथवा जो सरकारी धन है जो उनको दिया गया है उसकी वसूली उनसे करवाई जाए। इस तरह के मामले अक्सर मीडिया के माध्यम से उठते रहते हैं जो जांच के नाम पर आकर रुक जाते हैं और यह जांचें कब पूरी होती है इनका पता ही नहीं चलता है। इस मामले में भी एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री का सपना खुले में शौच नहीं जाएंगे, घर में शौचालय बनवाएंगे का सपना फिलहाल अधर में लटका दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि यहाँ तो मुद्दों के नाम शौचालय आवंटित किए गए हैं। फतेहपुर से संदीप शुक्ला, News 75.in।